गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मंडे है। हम लोग 8 बजे परिवर्तन करते हैं और आज के इस परिवर्तन के ऊपर हमारी लखनऊ की टीम परफॉर्म करने वाली है। तो उस लखनऊ टीम से के मुखिया जो है हमारे आसिम भाई और समा परवीन मैम, तो उन्हीं की पूरी टीम आज जो है परफॉर्म करेंगी। इसमें अनस सिद्दीकी जी हैं, हमारे सरफराज भाई हैं, सामिया फातिमा मैम हैं और बहुत सारे ऑडियंस हैं जो अपना टेस्टिमोनियल देंगे, अपना डेमो दिखाएंगे। ये सारी चीजें आज परफॉर्म होने वाली है। आप लोग आराम से 1 घंटा बैठ करके अपने याद को ताजा कीजिए, मेमोरी को शार्प कीजिए, ताकि कल हो करके बचे हुए 3 दिन कैसे अप्लाई करना है और अपने बिजनेस को कहां ले जाना है, मैं वन नाइट टुडे का प्रोग्राम अचीव करना है, अपने बेस को मजबूत करना है, 3 महीना में 2 लाख के इनकम पे अपने आप को ले जाना है, क्योंकि 2021 का सीजन चल रहा है। तो इस चीज को देखने के लिए, समझने के लिए, पूरा करने के लिए हम चाहेंगे कि आज का प्रेजेंटेशन का एमओसी का भार संभाले हमारी समा परवीन मैम। तो समा परवीन मैम, यू वेलकम, आपका स्वागत है इस मोदी केयर के 8 बजे का स्पेशल जूम प्रोग्राम में एलबीएन का, और हम एलबीएन के तीनों अपने पार्टनर के तरफ से आपको आमंत्रित करते हैं, आप आइए और बिजनेस को जो है सुचारू रूप से चलाइए। समा परवीन मैम, वेलकम। समा परवीन मैम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, आज हमें ये मौका देने के लिए, और गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी लोग को, और आज के जूम मीटिंग में आप सभी का वेलकम करते हैं, और बहुत बहुत थैंक्स सर, आपने आज हमें ये मौका दिया है यहाँ पर जो सीखा है उसको शेयर करने के लिए। तो आज फ्रेंड्स, आज हम लोग बात, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम लोग का परिवर्तन है। फ्रेंड्स, परिवर्तन की अगर बात करें तो जब जब दुनिया में, मतलब जब जब भी इस दुनिया में कोई परिवर्तन आया है ना, तो समझदार लोगों ने पहले उस परिवर्तन को एक्सेप्ट किया है और खुद को अपडेट किया है, और वाकई में करना पड़ता है। तो जिन लोगों ने पहले से बदलाव को एक्सेप्ट किया है वो लोग हमेशा आगे रहे हैं सबसे, और जो लोग परिवर्तन नहीं अपने आप में लाते हैं तो वो हमेशा पीछे रह जाते हैं दुनिया की भीड़ में, और आउट ऑफ डेट हो जाते हैं, आउटडेटेड हो जाते हैं वो लोग। फ्रेंड्स, परिवर्तन की अगर बात करें तो जैसा कि हम लोग अगर ट्रैवलिंग की बात करें, हर फील्ड में कभी ना कभी परिवर्तन होता है। अगर हम ट्रैवलिंग की बात करें तो जैसे पहले लोग हाथी घोड़ों से सफर करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, फिर ट्रेन आई, फिर मेट्रो, फिर बुलेट ट्रेन, एरोप्लेन, तो ऐसे महीनों का काम दिनों में, दिनों से फिर घंटों में हम अपना सफर तय कर लेते हैं। उसी तरह अगर मैसेजिंग की बात करें कि पहले एक जगह से दूसरी जगह को संदेश भेजने के लिए कबूतरों का यूज किया जाता था, हम सभी जानते हैं कबूतर से संदेश भेजे जाते थे। फिर उसके बाद डाक मेल स्टार्ट हुई, फिर एयर मेल स्टार्ट हुई, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, फिर टेक्स्ट मैसेजिंग स्टार्ट हुई। आज हम दुनिया के एक कोने से बैठकर दूसरे कोने में वॉइस मैसेज से बात कर सकते हैं और एक दूसरे को देखकर भी बात कर सकते हैं। तो ये हम लोग सफलता की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। उसी तरह अगर बात करें राइटिंग की, तो पहले लोग हाथों से लिखते थे, फिर टाइप राइटर आया, उसके बाद उससे भी और आसान कंप्यूटर टाइपिंग। धीरे धीरे वक्त बदलता जा रहा है, लोग अपने आप को बदलते वक्त के साथ, टेक्नोलॉजी जैसे डेवलप हो रही है, लोग अपने आप को बदल रहे हैं और सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, लेकिन अगर बात करें, इतनी टेक्नोलॉजी इस कदर डेवलप हो रही है सब कुछ, लेकिन फिर भी ऐसी क्या बात है कि दुनिया में सिर्फ 5% ही लोग अमीर और सक्सेसफुल समझे जाते हैं।
इसलिए क्योंकि वो लोग सबसे पहले बदलाव को एक्सेप्ट करते हैं और वो अमीर बनते चले जाते हैं, सक्सेसफुल होते चले जाते हैं। बाकी जो 95% लोग होते हैं वो चेंज से, बदलाव से डरते हैं, इसलिए वो उनका कहीं पे नाम नहीं होता, वो कहीं ना कहीं एक गुमनाम से जिंदगी जीते हुए गुजर जाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जितने भी लोग यहाँ पर हैं, आप सब अपने लोग अपने लिए सबसे पहले तालियां बजा लीजिए, बहुत अपने अपनी पीठ तब दबा लीजिए कि आप यहाँ पर हैं, हम यहाँ पर हैं। तो हम सब लोग आज इस प्लेटफॉर्म पर हैं क्योंकि हमने अपनी लाइफ में परिवर्तन लाने की सोच ली है और हमने अपनी सोच बदल ली है। तो किस तरह हम सोच को बदल के अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ लखनऊ से एक यंग एनर्जेटिक और स्टूडेंट लाइफ में ही जो बिजनेस माइंडेड हैं, बिजनेस की अहमियत को समझ गए हैं, बिजनेस क्या होता है उसको समझकर और बिजनेस बिल्ड करने की एक होड़ में आ गए हैं, तो हमारे साथ अनस सिद्दीकी जी हैं। हम उनको इनवाइट करना चाहेंगे, वो आकर हमें बताएं कि किस तरह हम परिवर्तन अपनी लाइफ में ला सकते हैं। तो वेलकम अनस। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी, तो आज का सेशन है परिवर्तन। क्या आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव, एक पॉजिटिव चेंज, एक ऐसा परिवर्तन लाना चाहते हैं जिससे आप अपनी जिंदगी खुल के जी सके, अपने हर सपने को बिन बंदिश, बिन सीमा नए उड़ान दे सके? क्या वाकई में अपनी जिंदगी को आजादी से जीना चाहते हैं? अगर आपका जवाब है हाँ, तो आप एकदम सही जगह आ चुके हैं। बेहतरीन जिंदगी के लिए सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी होगी। जैसे हमारे समीर जी बोलते हैं, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। तो ये सोच बदलने के लिए ये सेशन में स्टार्ट करता हूँ। और देखते हैं पहली स्लाइड क्या बोलती है। आर यू लिविंग द लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स? क्या हम अपने सपनों की जिंदगी जी पा रहे हैं? आप खुद दिल पे हाथ रख के बोलिए, क्या हम अपने वो गोल हमने सेट किए थे, वो सपनों के गोल थे, क्या वो पूरे कर पा रहे हैं? क्या वर्क लाइफ बैलेंस हो पा रहा है? हम अपना काम को, अपने घर का टाइम होता है वो प्रॉपरली बैलेंस कर पा रहे हैं? फाइनेंशियल सिक्योरिटी, क्या हमारी आमदनी इतनी है कि हमारे फ्यूचर में हमारे सेविंग्स, हमारे अकाउंट बैलेंस सिक्योर है हमारे अगली जनरेशन के लिए? क्या आप जो अपना बिजनेस कर रहे हैं आपको वो रिकॉग्निशन मिल रहा है जो आपको मिलना चाहिए? क्योंकि कुछ लोग काम ही किस लिए करते हैं, रिस्पेक्ट के लिए। तो रिकॉग्निशन बहुत लोग के लिए इनकम से ज्यादा मैटर करता है। फैंसी कार, सपनों की गाड़ी, फरारी और बड़ी बड़ी गाड़ी, ऑडी और ये सब, क्या आप सोचते हैं लेने की? आप अपनी गाड़ी को अपग्रेड करने का सोचते हैं, एक बड़ी गाड़ी लेने का सोचते हैं? क्या आपको चाहिए आलीशान घर में रहें, बंगलो? कुछ लोग का फ्लैट होता है, कुछ लोग के लिए बड़े बड़े बीएचके होते हैं, क्या आपका वो सपना है? क्या आपको वर्ल्ड टूर करना है, इंडिया से बाहर जाना है, पेरिस, लंदन, फॉरेन ट्रिप माननी है, अपनी खुद सोलो ट्रिप और फैमिली ट्रिप माननी है? क्या आप अपने फैमिली को समय दे पा रहे हैं, उनके डिनर पे जाना, उनके साथ गेम खेलना, उनका टीवी देखना, वो क्वालिटी टाइम अपने बिजनेस से निकाल के दे पा रहे हैं आप? क्या अपने स्टूडेंट्स को बेस्ट गुड, तो हर अच्छा तो हर कोई देना चाहता है क्या, लेकिन आप बेस्ट एजुकेशन दे पा रहे हैं अपने चिल्ड्रन को? क्या आपकी आमदनी इतनी है कि आप गुड वर्क, जो बोलते हैं चैरिटी का वर्क कर पा रहे हैं, दूसरों का अपनी आमदनी में पैसे निकाल के दूसरों का भला कर पा रहे हैं? क्या आपकी इतनी आमदनी है? अगर आप नहीं है तो आप ये सारे सपने पूरे कर सकते हैं, सिर्फ कैसे, अपनी सोच में परिवर्तन लाके और मोदी के फैमिली ज्वाइन करके। देखते हैं अगली स्लाइड क्या बोलती है। कॉस्ट ऑफ लिविंग, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ लिविंग? हमारा दिनचर्या का या हमारे सालों का जितना हमारा एक्सपेंस, हमारा अमाउंट निकलता है वो है कॉस्ट ऑफ लिविंग। जीने के लिए कितना इनकम चाहिए वो है कॉस्ट ऑफ लिविंग। और इसमें एक कैच है, इसमें लग्जरी नहीं आती है, इसमें नेसेसिटीज आती है। मतलब आप लग्जरी में क्या क्या आता है, बड़े घर, सपनों की गाड़ी, सपनों के फॉरेन ट्रिप्स, वो सब नहीं आएगा इसमें। आपका घर घर का सामान जिसमें निकल जाए वो नेसेसिटीज, राशन और ये सब। इसमें एक चार्ट दे रखा है, हर 20 साल का गैप का। 1960 में 100 रुपये का कमा रहा था, वो लग्जरी लाइफ नहीं जी पा रहा था, नेसेसिटीज पूरी कर रहा था।
1980 में जो 1000 कमा रहा था वो भी अपने घर का दिनचर्या चला पा रहा था लेकिन लग्जरी लाइफ नहीं जी पा रहा था। फिर आता है 2000 जो 10,000 कमा रहा था, उस टाइम पे 10,000 बहुत अच्छा अमाउंट था लेकिन वो भी नेसेसिटीज ही कमा पा रहा था, उसके लग्जरी लाइफ नहीं जी पा रहा था। फिर आता है 2020 जो अभी रिसेंटली गया है एक साल पहले, तो अगर बंदा कोई भी 1,00,000 कमा रहा था तब भी वो लग्जरी लाइफ नहीं जी रहा था। तो आप सोच सकते हैं बंदा 1,00,000 कमा रहा है वो भी लग्जरी लाइफ नहीं जी पा रहा है, क्यों? क्योंकि खर्चे बढ़ रहे हैं, हर चीजों के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो नेसेसिटीज ही कंट्रोल हो पाई थी उससे। तो अब आप खुद सोचिए 2040 में क्या होगा, जो बंदा 10,00,000 भी कमा रहा होगा वो सिर्फ नेसेसिटीज पूरी करेगा, लग्जरी लाइफ नहीं जी पाएगा। तो अगर आप मोदी की अपनी परिवर्तन ला के देखिए, हमें 10,00,000 नहीं कमाना है 2040 तक, 10,00,000 नहीं 15,00,000 20,00,000 इससे ऊपर ही कमाना है, हमें लग्जरी लाइफ जीनी है, सपनों की चीजें लेनी है, सपने पूरे करने हैं। तो अगली सर क्या बोलती है, हमने सपनों की बात कर ली, कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात कर ली, अब हमको ये सपने अचीव कैसे करने हैं, क्योंकि जो सपने होते हैं और गोल होते हैं वो अचीव करे जाते हैं, अर्न करे जाते हैं, लेकिन उसका तरीका क्या है, वो हम करें कैसे, उसके लिए आपको सोच परिवर्तन लाना पड़ेगा। और कुछ इनकम प्लान होते हैं, उनमें से एक है डिपेंडेंसी प्लान, जैसे बोला था 40 साल का जो मोस्ट ऑफ द फैमिली फॉलो करते हैं वो है एक्टिव इनकम का। इसका क्या होता है, अगर आप 40 साल का इसका वो होता है टाइम पीरियड एवरेज माना जाता है, नो वर्क नो इनकम, अगर आप काम करेंगे तो आपको इनकम मिलेगी, आप काम नहीं करेंगे आपको इनकम नहीं मिलेगी। इसमें कौन कौन आ सकता है, इंप्लॉयज, सेल्फ एम्प्लॉय, शॉपकीपर हो सकता है, प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, ये जो सालों की डिग्री लेके ये हासिल करते हैं। लेकिन कहना ये है अगर डॉक्टर पेशेंट नहीं होंगे तो डॉक्टर का क्लिनिक नहीं चलेगा, सीए के पास क्लाइंट्स नहीं होंगे उसका सीए का काम नहीं चलेगा। तो अगर आप लेकिन ये एक्टिव इनकम है, आप वर्क करेंगे तो आपको इनकम आएगी, लेकिन 40 साल आपकी जिंदगी की आधी लाइफ होती है, तो 40 साल आपको लगता है आप इतने साल दे पाएंगे और फिर वो एक सॉलिड इनकम रहेगी आपके पास, इससे कोई गारंटी नहीं है। नेक्स्ट प्लान देखते हैं, अब आते हैं आजादी प्लान, जो हमारा मोदी का प्लान बोलते हैं। तो 2 से 5 ईयर्स का टाइम पीरियड होता है, इसमें क्या होता है आप कुछ टाइम काम करिए, फिर आपके एफर्ट कम होंगे और आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, और आपको उसमें टाइम भी कम देना पड़ेगा शायद, वो है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का टर्म का मतलब क्या होता है, पैसिव इनकम वो है जो आपने कुछ साल किया फिर आप सालों साल इनकम ले सकते हैं इस प्लान से। और इसमें कौन कौन कैटेगरीज में आता है, राइटर्स, और कौन से राइटर, जिनकी बेस्ट सेलिंग बुक होती है, जो सालों साल इनकी बिकती है और जो अब तक बिक रही होंगी बुक, सिंगर्स, उस दर्जे के सिंगर जिनको हिट सॉन्ग ही देते हैं, इन्वेस्टर्स, क्योंकि सबको पता है इन्वेस्टर कैसे बना जाता है, एक इन्वेस्ट अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट, और वो अमाउंट कम से कम लाखों में होता है या हजारों में होता है, तो उसके लिए भी आपने अच्छा खासा पैसा चाहिए। लेकिन और एक और है, लास्ट नॉट द लीस्ट, डायरेक्ट सेलिंग, जो हमारी मोदी केयर ऑफर करती है सेलिंग में, वो है डायरेक्ट सेलिंग, वहां से आप पैसे इनकम ले सकते हैं। कैसे, आगे बात करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग से पहले बात करें ट्रेडिशनल, जो हम इतने सालों से ट्रेडिशनल मार्केट से सामान ले रहे हैं, उसमें हम कस्टमर कष्ट कुछ झेलता है। क्या गवर्नमेंट हर चीज में पैसा लगाती, नहीं, वहां पे मिडिल मैन अर्न करते हैं, आपको ये बात नहीं पता होगी, लेकिन जो इसमें एक चार्ट दे रखा है उसमें प्राइसेस लिखे हैं, कंपनी जो सामान बनाती है 35 रुपए का, वो डिस्ट्रीब्यूटर आते आते 45 का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर ने कमाया, फिर आता है होलसेलर पे, यहाँ पे होलसेलर ने कमाया 65 तक, फिर आता है रिटेलर 75 रुपए उसके प्राइस हो गए, अब आता है आप पे, सोचिए कंपनी जो 35 में बनाया था आप तक आते आते हो गया वो 100 रुपए। तो 100 रुपए मतलब कस्टमर को कष्ट ही झेलना है, ये तो बहुत सालों के बात हो रही है, ये लोगों को झेलना पड़ेगा। लेकिन आप ये चेंज कर सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट पे देखिए उन्होंने क्या किया, कंपनी से लेकर सीधा आपको KYC करवाया और जो भी मिडिलमैन थे उनका रास्ता गया कट, मतलब सीधा सीधा आपको जो कंपनी KYC करवा के सीधा आपको देगी कि हमें कुछ मिडिलमैन को नहीं पैसा देने, हमको जो बोनस होगा वो आप रखिएगा, जो प्रॉफिट होगा वो आप रखिएगा, तो मनी सेव इनटू बोनस, तो यू अर्न मनी, क्योंकि जो सेविंग होती है वो भी एक इनकम होती है। अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। अब डायरेक्ट सेलिंग में आ रहे हैं तो उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है,
अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो कोई रिस्क नहीं है, आप कहाँ तक इनकम कमा सकते हैं, एक होता है एक पर्टिकुलर अमाउंट कमा सकते हैं आप एक बिजनेस में, लेकिन यहाँ पे आप अनलिमिटेड इनकम कर सकते हैं, आप सोच नहीं सकते आप इतनी इनकम अर्न कर सकते हैं यहाँ से। ये फैमिली बिजनेस है, आप खुद एज अपनी फैमिली में किसी को भी ला सकते हैं, मम्मी पापा और सब ऐसे पार्टनर उसको कर सकते हैं, तो फैमिली बिजनेस कोई भी कर सकता है। डेमोस के लिए आप किसी को ला सकते हैं, होम मीटिंग में आपके लिए कोई हेल्प कर सकता है, तो ये फैमिली बिजनेस है। ट्रांसफर बिजनेस, ये बिजनेस कभी भी किसी भी टाइम ट्रांसफर कर सकते हैं आप, खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया, आप उस टाइम पीरियड पे उस टाइम पे नहीं कर पा रहे मिशन, ये मोदी केयर का प्लान है वो नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ट्रांसफर इजिली कर सकते हैं, नो प्रीवियस एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। हम सीए की, हम मेडिकल की, हम डॉक्टरी की बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई डिग्री, कोई एक्सपीरियंस, आपने कोई बिजनेस नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। पैसिव इनकम, यहाँ पे जैसे मैंने बताया पैसिव इनकम ऑन करेंगे और सालों साल पैसिव इनकम का मजे ले सकते हैं। पार्ट टाइम बिजनेस, आप अपना बिजनेस कर रहे हैं साथ साथ आप ये बिजनेस कर सकते हैं एज अ पार्ट टाइम, और आपको अच्छा लगे आप फुल टाइम भी कर सकते हैं। देखते हैं अगली स्लाइड क्या बोलती है। ये मोदी केयर क्यों, अब मैं बताता हूँ, क्योंकि ये इंडिया की फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, स्टार्टेड इन द ईयर 1996, इतने सालों में स्टार्ट करी गई थी और इंडिया की फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है ये, बाय मिस्टर समीर मोदी। और समीर मोदी जी का एक स्लोगन है, एक विजन है कि वी आर अ सिंगल प्रोडक्ट कंपनी, आर प्रोडक्ट इज आजादी, हमारा एक प्रोडक्ट है लेकिन वो है आजादी, और हर घर में आजादी पहुंचाना इनका मिशन है, इनका गोल है। फिर बात करते हैं कंपनी की डिटेल्स के बारे में। राय बहादुर गुजमर मोदी द फाउंडिंग फादर, स्टार्टेड बिजनेस, फिर 400 रुपए का बिजनेस स्टार्ट किया था इन्होंने 1933 में, स्टैब्लिश किया था शुगर फैक्ट्री बेगमाबाद का, जो मोदी नगर के नाम से जाना जाता है, और 1933 से लेकर 1972 तक सेटअप 27 इंडस्ट्री सेटअप की इन लोगों ने इन्होंने, और 1968 अवार्डेड पद्मा भूषण अवार्ड, बहुत प्रेस्टीजियस अवार्ड है और बहुत रिस्पेक्टफुल अवार्ड है। अब बात करते हैं के मोदी सर की, लिमिटलेस एक्सीलेंट फोर्सेस, इन्होंने, अब हम मोदी की बात नहीं कर रहे हैं, मोदी इंटरप्राइजेस की बात कर रहे हैं, दो टुक टू ग्रेटर हाइट, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन किया 19 कंट्रीज के साथ और ओवर 300 एम्प्लॉइज उसमें काम करते थे। अब बात करते हैं हमारी मोदी केयर, जिन्होंने फाउंड किया डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, समीर मोदी विजनरी एंड नेशन बिल्डर, मिलियन ऑफ कंसल्टेंट के अंदर काम कर रहे हैं और हर दिन ऐड हो रहे हैं, फाउंडिंग मेंबर ऑफ आईडीएसए। आप पूछेंगे आईडीएसए का क्या है, ये है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जैसे बैंक में आरबीआई होता है वैसे डायरेक्ट सेलिंग में आईडीएसए होता है। रिवॉर्डेड एंड अट्रैक्टिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी, हर महीने हर साल नए नए अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं अपने कंसल्टेंट को और मोदी के फैमिली मेंबर्स को। विनर्स ऑफ वेरियस प्रेस्टीजियस अवार्ड, इनको भी अपने इनके फादर और इनके दादा की तरह अवार्ड करा गया है प्रेस्टीजियस अवार्ड से, और मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस जीएमटी सर्टिफाइड, सर्टिफाइड सर्टिफाइड करते हैं। अब बात करते हैं अगली स्लाइड पे, समीर जी की बात तो कर ही लिया हमने, अब बात करते हैं मोदी के प्रोडक्ट रेंज, यहाँ पे हमारे मोदी केयर में फैमिली में क्या क्या प्रोडक्ट की रेंज है। यहाँ पे न्यूट्रिशन हेल्थ पे, आपके वेलनेस पे ध्यान दिया गया है, कलर्स कॉस्मेटिक के सामान है, आपकी स्किन को केयर देने के स्किन केयर की रेंज है, फूड एवेल आपके घर में, खाने पीने का सामान भी यहाँ पे, पर्सनल केयर, क्योंकि पर्सनल स्किन केयर बहुत इंपॉर्टेंट है हर इंडिविजुअल के लिए। फिर आता है आपके कपड़ों के लिए लॉन्ड्री केयर, फिर आता है होम केयर, आपके घर में सफाई, और क्योंकि कोरोना अभी अभी निकला है हमारे इंडिया से तो होम केयर बहुत जरूरी है। एग्रीकल्चर, आज के फार्मर्स को आपको पता है एग्रीकल्चर कितना इंपॉर्टेंट है, उसके लिए एग्रीकल्चर की रेंज है। फिर आता है ऑटो केयर, क्योंकि आजकल हर घर में गाड़ी आएगी और आप मोदी के ज्वाइन करेंगे आपके घर में भी गाड़ी आएगी, तो उसके लिए ऑटो केयर। ज्वेलरी, हमारी लेडीज के ज्वेलरीज के लिए यहाँ पे। फिर आता है टेक माइटी गार्ड, जो आपके फोन को प्रोटेक्ट करेगा। फिर आता है आपको स्टाइलिश दिखाने के लिए मेंस एंड वुमेन्स के लिए एसएम वॉचेस। फिर आता है डिवाइन के लिए, जिसका अलग अलग फ्रेग्रेंस में आपको घर बहुत अच्छा रखेगा। फिर आता है दीस प्रोडक्ट्स विल हेल्प यू गेट थ्रू आजादी, असली आजादी शायद बॉर्डर पे लड़ने से नहीं आएगी, असली आजादी आप ये प्रोडक्ट यूज करेंगे तब भी आजादी आपके घर में आ सकती है। फिर बात करते हैं समीर मोदी आजादी प्लान, द फेमस समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड के बारे में।
द बेस्ट प्लान इन द इंडस्ट्री है. अप टू 62 पेआउट्स ऑफ योर मंथली ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम. 62% आप बोलेंगे क्या है, ये पेआउट है जो बोनस के रूप में कंपनी अलग अलग कैटेगरी में देती रहती है अपने कंसल्टेंट और डायरेक्टर्स को. फिर आता है एक्यूमुलेटिव प्लान, नो टाइम लिमिट. आप बोलेंगे एक्यूमुलेटिव प्लान क्या होता है, मतलब आपको अभी महीना महीना जो होता है शून्य स्टार्ट नहीं करेंगे, हर महीने का पिछले महीने का वो एड ऑन होगा, जो भी आपने काम किया आपने पीवी वहां पे अर्न किया यहाँ पे एड ऑन होगा. यहाँ पे टाइटल फॉर लाइफ टाइम, डिफरेंट टाइटल्स है कंसल्टेंट से लेकर डायरेक्टर और से ऊपर. फिर आता है नो इन्वेस्टमेंट. नो इन्वेस्टमेंट मतलब नो रिस्क. यहाँ पे इंटरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेंगे, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी मिलती है जो कोई कंपनी देती है, और यहाँ की ट्रेनिंग सिस्टम सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी कह रहे हैं. फिर समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड. वो कौन सी 10 एरियाज ऑफ लाइफ लॉन्ग इनकम है तो आपको सालों साल इनकम देती रहेगी. अब पहला है अप टू 20% सेविंग ऑन कंजप्शन. जब आप अपना घर का सामान लेंगे वहां पे आप 20% सेव कर रहे होंगे, वो भी एक इनकम है. फिर आता है अप टू 20% रिटेल प्रॉफिट. आप जब वहां पे लेंगे आपको डीपी प्राइस मिलेगा, आप दूसरों देंगे, आप शेयर करेंगे, वो आप एमआरपी दे सकते हैं, वहां पे 20% आप कमा सकते हैं. फिर आता है 7-16% एक्युमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस. जो कंसल्टेंट से डायरेक्टर लेवल का सफर होगा वहां पे आपको यहाँ पे बोनस मिलेगा. फिर आता है डायरेक्टर बोनस पूल. डायरेक्टर का आप बन चुके वहां पे बोनस पूल मिलेगा. फिर आता है टीम बिल्डर बोनस पूल 40% का. अपने टीम को बिल्ड करिए और ये बोनस के मजे लीजिए. फिर अपने टीम को लीडरशिप दीजिए और प्रोडक्टिव बोनस पूल के मजे लिए 15% जो है. फिर आता है आपके सपनों की ट्रैवल बोनस के लिए ड्रीम ट्रैवल बोनस पूल 3%. फिर आपका आपका सपनों की गाड़ी के लिए 5% बोनस पूल. फिर आता है आपके घर का जो सपने वाला घर है वो भी तो लेना है, तो वहां पे आएगा 3% ड्रीम होम बोनस पूल. फिर 2% जिस अटूट बंधन बोनस पूल, जिसका क्लैपिंग आप आगे सुन के तो आप भी हैरान रह जाएंगे. अब देखते हैं, अब डिटेल में इस बारे में बात करते हैं. सेविंग ऑन कंजप्शन रिटेल प्रॉफिट. सेविंग एंड रिटेल प्रॉफिट मोर देन 400 से आप तो और ज्यादा हो गए हैं प्रोडक्ट, और 13 कैटेगरीज में आप रिटेल प्रॉफिट कमा सकते हैं. आप सोचिए हर प्रोडक्ट में आप रिटेल प्रॉफिट कमा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है 100 रुपए का, रिटेल प्रॉफिट में 20 रुपए का, उसका जो आता है एमआरपी है 120 का, तो आप 20% तक कमा सकते हैं. जो 20 रुपए हैं वो आप कमा सकते हैं बाय शेयरिंग योर प्रोडक्ट टू अदर. तो ये था रिटेल प्रॉफिट. फिर हम ट्रेडिशनल मार्केट में बदलाव ला ही रहे हैं, उसको ओवरटेक कर ही रहे हैं, लेकिन द बिगेस्ट डिजिटल आजादी रिवॉल्यूशन इन द इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में. तो हम डिजिटल भी एक धमाका कर रहे हैं. कैसे? क्रिएटर ओन माय मोदी के शॉप नाउ एक ऐप है जिससे आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं. व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कहीं भी शेयर करेंगे. शेयर विद एनीवन एनीवेयर. जैसे मैंने भी ऐसे बनाया था, मेरे नाम की एक शॉप खोली हुई है. आप उसमें सारे प्रोडक्ट की लिस्ट दे सकते हैं, जस्ट अ क्लिक. अब बात करते हैं द फेमस लॉयल्टी प्रोग्राम. नेवर सीन बिफोर बेनिफिट्स मिलेंगे यहाँ पे. ये क्या होता है इसमें बात करते हैं. आप परचेज करिए प्रोडक्ट पर मिनिमम 1800 25 तारीख से पहले लगातार 6 महीने तक, तो आपको 1 महीने 7वां महीना जो आपको वो 1 महीने पूरा फ्री सामान मिलेगा. जो मैक्सिमम आप तो 5000 तक हो सकता है, वो आपके 6 महीने के एवरेज पे निकलेगा, लेकिन 5000 तक 1 महीना सामान फ्री आ रहा है तो क्या दिक्कत है. 1 महीना पूरा जिनका 5000 लोगों का पूरे महीने का सामान होता है वो आपको फ्री मिल रहा है. एग्जाम्पल ये रखा है यहाँ पे, 6 महीने तक 5000 का सामान लिया गया और 7वां महीने फ्री प्रोडक्ट 5000 के आपके घर में आएंगे और आप बेनिफिट्स के लेंगे. तो ये था लॉयल्टी प्रोग्राम. अब देखते हैं एक्युमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस 7-16% का. यहाँ पे परफॉर्म बोनस टाइटल दे रखे हैं, एक्युमुलेटेड पीवी पर्सनल पॉइंट रेंज और आपका पीबीवी. यहाँ पे आप शुरुआत करेंगे, आप मोदी केयर फैमिली ज्वाइन करेंगे तो आपका हो गया कंसल्टेंट पे 1-13% आपको अपना पर्सनल पीवी करना होगा. उसमें 7% आप बोनस ले रहे होंगे. सीनियर कंसल्टेंट पाएंगे 301 पे से 1200 तक, आप 10 लेवल तक पहुंच जाएंगे, परसेंट पे जा रहे होंगे. फिर आता है असिस्टेंट सुपरवाइजर 1201 से 2700 तक, 13% आप बोनस ले रहे होंगे. फिर आता है सुपरवाइजर 2700-4000 तक वो होगा 15% तक. फिर आता है डायरेक्टर चार, जब आप ये टाइटल अचीव कर लेंगे तो आप बन जाएंगे 16% हकदार बोनस के. अब आप बोलेंगे एक्यूमुलेशन की पावर क्या होती है. हम बात करेंगे अब पावर ऑफ एक्यूमुलेशन. आपको अभी महीना शून्य से स्टार्ट नहीं करेंगे. जो आपको पिछले महीना की जो मेहनत है वो कहीं खराब नहीं होगी.
यहाँ पे दे रखा है मंथ वन का दिखा रखा है आप एग्जांपल में, ग्रुप पीवी है 200, एक्युमुलेटेड ग्रुप पीवी फिर से 200, टाइटल है कंसल्टेंट 7%, और आपका एपीवी डिस्ट्रीब्यूट कितना हो रहा है 378। फिर आता है मंथ टू में फिर से 200, जो 200 200 ऐड हो गया वो हो गया 400 आपको पिछले महीने का भी ऐड होगा, क्योंकि फिर आता है नए टाइटल पे सीनियर कंसल्टेंट 10% पे आ गए 540 आपको डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एपीवी। एक और एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे 3 महीने का दे रखा है 1,000 हर महीने हो रहा है, हर महीने का एड ऑन हो रहा है 1,000 2,000 3,000 टाइटल आपको बढ़ता जा रहा है सीनियर कंसल्टेंट असिस्टेंट सुपरवाइजर से सुपरवाइजर टाइटल परसेंटेज 10 13 15, और आपका एपीवी आपका सोचिएगा एपीवी डिस्ट्रीब्यूट आ रहा है आपकी सेविंग से इनकम निकल के आ रही है, तो 2,700 2,500 3,500 और 4,050। तो सोचिए आपको कोई महीना पिछले का वेस्ट नहीं जाएगा, ये थी पावर एक्युमुलेशन। फिर आता है मोदी केयर का फास्ट 10 10% जिसका बेनिफिट मैंने खुद लिया है, डू 240 ग्रुप पीवी इन अ सिंगल कैलेंडर मंथ बिफोर अचीविंग 10% लेवल और बिकम अ फास्ट सीनियर कंसल्टेंट 10% पे, और प्री सिलेक्टेड प्रोडक्ट आपको फ्री मिलेंगे डीपी प्राइस पे 778 और अबव के। और एक और इसमें कैच है, अगर आप 3 फ्रंटलाइन कंसल्टेंट को क्वालिफाई करवाते हैं 10% तक तो आपको प्री सिलेक्टेड प्रोडक्ट वो तो आपको मिला ही मिला ऊपर, और यहाँ मिलेगा 950 और अबव तक। तो ये था मोदी के फास्ट 10% प्रोग्राम। अब बात करते हैं लीडरशिप टाइटल क्वालिफिकेशन, डायरेक्टर से लेकर ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर के सफर क्या होगा यहाँ पे जानेंगे। आप डायरेक्टर बन चुके हैं, आपको पर्सनल पीवी अपना करना है 26, आप घर का सामान लेंगे वो आपका हो जाएगा, आपके प्रोडक्ट बिलिंग करवाएंगे वो हो जाएगा, आपको यहाँ पे ग्रुप पीवी मेंटेन करनी होगी 1250, और आपको नंबर ऑफ लैक्स वहाँ पे आप नहीं करेंगे तो चलेगा लेकिन करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। फिर आता है सीनियर डायरेक्टर, अब आपको डायरेक्टर लेवल्स मेंटेन करने पड़ेंगे यहाँ पे, ये कैच है यहाँ पे। पर्सनल पीवी वही 26 मेंटेन करेंगे और 1100 के अंदर आपको ग्रुप पीवी करवाना है, अपना प्रोडक्ट शेयरिंग करनी है और एक डायरेक्टर लेवल को मेंटेन करना है। फिर आता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वही 26 पीवी, ग्रुप पीवी आपको करना है 900 2 लाख आपको मेंटेन करना है अपने नीचे डायरेक्टर की। फिर आता है प्लैटिनम डायरेक्टर, ग्रुप पीवी आपको करना है 300, फिर आएगा डायरेक्टर लेवल आपको 4 मेंटेन करना है। मैंने कहा था ना आपका यहाँ पैसे इनकम कमाएंगे, आपके एफर्ट कम हो जाएंगे, यहाँ पे आपके एफर्ट आप कम होंगे, आप प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर बनेंगे, आपको ग्रुप पीवी आप वहां हट जाएगी और आपको सिर्फ अपना पर्सनल पीवी मेंटेन करना है 26 का, घर का सामान लेंगे वो इजीली हो जाएगा। फिर आपको फोकस करना है अपने डायरेक्टर लेवल पे, उनको आगे बढ़ाना है और खुद भी आगे बढ़ना है। फिर आता है क्राउन डायमंड डायरेक्टर, जो 8 लाख मेंटेन करना है, 8 लोग को आगे बढ़ाना है, 8 डायरेक्टर को आगे बढ़ाना है और खुद आगे बढ़ना है। फिर आता है रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, 11 डायरेक्टर को आगे बढ़ना है और खुद आगे बढ़ना है। आता है ग्लोबल ब्लैक डायमंड, 26 को मेंटेन करना है जो हाईएस्ट टाइटल है मोदी गेयर में, और 14 और अबव डायरेक्टर्स को मेंटेन करते हुए चलना है और आजादी की जिंदगी जीनी है। अब बात करते हैं 4% डायरेक्टर बोनस पूल, ये पूल 4% कंपनी के टोटल मंथली पीवी से लिया जाता है और पेड मंथली टू ऑल क्वालिफाइड डायरेक्टर्स। इसमें कैच है एटलीस्ट आपको 2550 ग्रुप पीवी करना है तो क्वालिफाई एज अ डायरेक्टर, आप डायरेक्टर क्वालिफाई कर देंगे आप इस पूल के मजे ले सकते हैं। फिर आता है टीम बिल्डिंग बोनस पूल, 14% पूल ऑफ कंपनी टोटल पीवी से निकाला जाता है और पेड मंथली टू ऑल क्वालिफाइड डायरेक्टर एंड अबव, पेड अप टू 9 डायरेक्टर एंड अबव जनरेशन। आप जब अपनी टीम बनाएंगे, टीम बिल्डिंग और स्ट्रक्चर मेंटेन करेंगे तो आप इसके भी हकदार बन जाएंगे। फिर आते हैं 15% लीडरशिप प्रोडक्टिव बोनस पूल, जो 15% कंपनी के मंथली पीवी से निकलता है टू पेड ऑल डायरेक्टर अबव। इसमें एक 2 कैच है, एक आपका लेग होना चाहिए 3600 ग्रुप पीवी वाला जो आपका डायरेक्टर है, और एक एटलीस्ट नॉर्मल लेग होना चाहिए जो डायरेक्टर मेंटेन कर रहा हूँ, और पेड अप टू 8 पैट सीनियर डायरेक्टर है अबव जनरेशन। तो यहाँ पे आप लीडरशिप करिए, अपने वर्क में प्रोडक्टिव काम दिखाइए, आपको ये लीडर बोनस भी मिलेगा। अब हमको बाहर भी तो घूमना है, वॉलंटियर्स भी तो माननी है, उसके लिए कंपनी ने सोचा है 3% ड्रीम ट्रैवल बोनस पूल, बिकम अ सीनियर डायरेक्टर टू क्वालिफाई, पेड टू ऑन द टीम बिल्डिंग बोनस पॉइंट अर्न अप टू 5 जनरेशन, पेड टू ऑल पैट सीनियर डायरेक्टर अबव। आपको वही अपना पर्सनल पीवी मेंटेन करना है और ग्रुप पीवी 1100 करना है, और वही आपको 2 लाख मेंटेन रखते हैं और आप अपनी फैमिली अकेले ट्रिप मार सकते हैं फॉरन की, मोर वॉल्यूम मोर ट्रैवल बोनस। फिर आते हैं, अब बाहर तो घूम लिए, अब वापस घर आ गए,
अपने सपनों की गाड़ी में निकलते हैं ना जरा बाहर फैमिली का दिन है ना, और उसके लिए चाहिए सपनों की गाड़ी। थ्री मंथ लगातार 3 महीने तक क्वालिफाई करिए और आप इस बोनस के हकदार हो जाएंगे। उसमें भी क्या अच्छा है, आपको ग्रुप पी विच से मेंटेन करना है और अपने अंदर 4 लेग मेंटेन रखना है, तो आप 5% ड्रीम ट्रैवल व्हीकल बोनस के हकदार होंगे। आपने घर से गाड़ी घूम के आ गए, अपने सपनों के घर में तो आराम करना है, तो मेंटेन करिए प्रेसिडेंट का डायरेक्टर 3 महीने तक, उसके अंदर वही 26 मेंटेन करिए अपने पर्सनल पीवी, 6 लेग्स को करिए मेंटेन, अपने स्ट्रक्चर रखिए अपने साथ, उनको बढ़ाइए खुद बढ़िए और ड्रीम होम बोनस लीजिए और सपनों के घर में रहिए। फिर आता है जो सबसे बड़ा पूल है जो है 2% अटूट बंधन बोनस पूल। आप बोलेंगे 2% तो बहुत कम है, नहीं, कंपनीज मंथली पीवी के साथ तो 2% बहुत है, और ये सिर्फ 3 टाइटल्स को दिया जाता है, क्राउन डायमंड डायरेक्टर, रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर और ग्लोबल ब्लैक डायमंड, और इसकी मंथली कैपिंग है 21 लाख, 2100 नहीं, 21,000 नहीं, 21 लाख, आपने सही सुना। तो आप जब बन जाएंगे मजे लेंगे तो आपका रिश्ता होगा दिल से। अब लाइफ तो हर कोई जीता है, लाइफ हर कोई जीता है, लेकिन क्या सिग्निफिकेंस लाइफ जीता है आपका, कोई आपकी लाइफ की इंपॉर्टेंस है, आप दूसरी लाइफ की इंपॉर्टेंस की ला पा रहे हैं क्या, आप लोगों को कमाने में उनके घर में आमदनी लाने में हेल्प कर पा रहे हैं। ये मोदी करे कि ऐसा बिजनेस है, ऐसा नोबल बिजनेस है, तो आप खुद तो कमाते हैं, खुद तो आगे बढ़ते हैं और दूसरों को जरिया देते हैं उनके घर में आमदनी लाने। यहाँ पे सक्सेस प्रिंसिपल वाला मोदी का लर्निंग के लिए भी यहाँ बताया गया कि यहाँ पे ट्रेनिंग कैसे होगी, क्या होगा, यहाँ पे क्लासरूम्स हैं, ऑनलाइन सेशन होते हैं, फोन पे आप स्कैन करके किसी प्रोडक्ट के बारे में डिटेल कुछ भी ले सकते हैं। आरोग्य आती है यहाँ पे, न्यूट्रिशन हेल्थ एंड वेलनेस की वेल व्हील ऑफ न्यूट्रिशन आता है, होम के प्रोडक्ट और डॉक्टर आता है जो पॉकेट वाला होता है छोटा सा, डिजिटल प्रोडक्ट बुकलेट आती है और एक मैगजीन आती है जिसमें आप आपको हेल्प मिलेगी आपके अचीवर्स के और लीडर के बारे में जानेंगे। तो आप खुद से पूछिए, अगर मोदी के नहीं था, अगर आप नहीं तो कौन, अगर अभी नहीं तो कब। तो जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट विद अ सिंगल स्टेप, जब समीर मोदी आप एक स्टेप लीजिए तो 2 स्टेप लेंगे। तो वेलकम टू मोदी केयर, तो अगला सेशन होगा वो होगा शुरुआत, क्योंकि आप मोदी के फैमिली में ज्वाइन हो चुके हैं, अब वो कौन से 10 कदम है जो आपके लेने हैं जो आपको शुरुआत दिलवाएंगे। और हमें समीर जी बोलते हैं विद एवरी स्टेप यू टेक आई विल टेक टू। तो ओवर टू श्याम मैम, थैंक यू। वाओ ग्रेट, बहुत अच्छा। आई होप अनस आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, बहुत अच्छे से हम लोग को बताया कि किस तरह हम परिवर्तन लाकर अपनी 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 सोच बदल कर अपनी लाइफ में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आई होप सारे लोग को यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। और सही मानों में अगर हम वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो बिलियन डॉलर्स की ये इंडस्ट्री है, बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है। हम लोग इसकी सिंप्लिसिटी स्टार्टिंग जो हम लोग इसकी सिंप्लिसिटी देखते हैं ना, तो उसकी हम ग्रेटनेस तक पहुंच नहीं पाते हैं। ग्लोबली अगर हम बात करें तो 98 इयर्स से ये सक्सेसफुली रन कर रही है ये इंडस्ट्री, और इंडिया में अभी 25 साल हुए हैं इस इंडस्ट्री को आए हुए। जैसा कि हम सब जानते हैं, समीर मोदी जी सर यहाँ पर इस सिस्टम को यहाँ पर लाने वाले, हम मोदी केयर की बात कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में एट प्रेजेंट ये इंडस्ट्री 17,000 करोड़ का करेंटली इसका टर्नओवर है। 2025 तक ऑलमोस्ट ये जिस तेजी से बढ़ रही है ना, 64,500 करोड़ तक इसकी ग्रोथ होने जा रही है। तो फ्रेंड्स, हम लोग ने ये जान लिया कितना सिंपल है इसको स्टार्ट करना और चैलेंजेस आएंगे जरूर। हम लोगों ने सोच बदली है, अगर रास्ता ये हम लोगों ने पकड़ लिया है तो हम इसकी ग्रेटनेस तक भी पहुंचकर हम भी सक्सेसफुल हो सकते हैं यहाँ पर। और अब आइए बात करते हैं कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स, जिस तरह हम खाना पकाते हैं, भगवाने में चावल पकते हैं हमारे कुकर में चावल पकते हैं, तो कुछ बताने देखकर लगाते हैं कि हमारे चावल ठीक ठाक हो गए, हमारे चावल पक चुके हैं। तो आइए
अब प्रोडक्ट्स के बाद इंडस्ट्री के बारे में जान चुके हैं, कंपनी के बारे में जान चुके हैं, अब हम प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं जो हमारे बाजार में हैं। तो प्रोडक्ट्स की जानकारी देने के लिए बुलाना चाहेंगे हमारे लखनऊ से सामिया जी, सामिया मैम, जो कि एक सिंपल हाउसवाइफ हैं और अपनी गृहस्थी घर गृहस्थी चलाते चलाते और अपना बिजनेस भी डेवलप कर रही हैं, और उनसे हम जानना चाहेंगे कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में, वो हमें डेमोंस्ट्रेशन के साथ बताने जा रही हैं। तो सामिया मैम आपका वेलकम है, ओवर टू यू सामिया मैम। प्रॉब्लम के ए आवाज गुड मॉर्निंग एंड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सबसे पहले एलबीएन इंटरप्राइजेस के सभी लोगों को, शंकर गुप्ता सर को और इफ्तिखार खान साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया और मुझे कुछ बोलने का मौका दिया। अब मैं आपको अपना डेमो सेशन दिखाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं अमृत शक्ति का डेमो करूंगी। ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए है। इसमें इस टैबलेट में कापूर है, अजवाइन है, पुदीना सत्व है और लौंग का तेल है। इसको खाने से हमारे पेट की जितनी भी बीमारियां हैं वो सब ठीक हो जाती हैं। इससे हमारा खाना जल्दी हजम होता है, गैस नहीं बनती, जलन नहीं होती, उल्टियां भी नहीं होती हैं, खट्टी डकार भी नहीं आती है और हमारी पाचन क्रिया दुरुस्त हो जाती है। और ये हमारे मोदी केयर में 385 रुपीज में है और इसमें 100 टैबलेट होती हैं। अगर कोई हमारे मोदी केयर से दूर जाता है, मेंबरशिप ले लेता है और उससे ये खरीदता है तो उसको ये उसे बहुत ही कम दाम में मिलती है और ये बहुत ही इफेक्टिव है। अब हम इसके बारे में आपको बता चुके हैं, अब इसका हम डेमो करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ग्लास में पानी लेते हैं। ये हमारा पेट है, ये मान लीजिए कि हमारा पेट है और इसमें हम हमारे पेट में जो हम खाते हैं वो तमाम गंदगी हमारे पेट में आ जाती है। उसको हम दिखाने के लिए इसमें ये बीटाडीन डालते हैं। ये लिक्विड जेल में ये फॉर्म में आती है टैबलेट। इस टैबलेट को खाना खाने के 10 मिनट बाद नॉर्मल पानी से खा सकते हैं। अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो तो 2 टैबलेट लेंगे, वरना 1 टैबलेट खाना खाने के 10 मिनट बाद नॉर्मल पानी से खाएंगे और इसका असर हमको 10 मिनट के बाद देखने को मिल जाता है। ये हमारे पेट को बिल्कुल साफ रखती है, लीवर को भी साफ हो कर देती है और हमारा पेट ग्रोथ हो जाता है। हमने इसमें डाल दिया है, अभी इसको हम एक साइड में रखते हैं और उसका भी असर हम देखते हैं। अभी मैं दूसरा डेमो करने जा रही हूँ। ये है ये भी मेरे मोदी केयर का ही प्रोडक्ट है, स्टेरिलीन, जो कि बहुत ही इफेक्टिव है। हम लोग घर में अपने घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं, साफ सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं। पोछा लगाने के लिए हम कोई ना कोई डिसइंफेक्टेंट क्लीनर जरूर यूज करते हैं जो कि बाजार में मिलता है और हम अपने प्रोडक्ट को बाजार के प्रोडक्ट से कंपेयर करेंगे। आप अभी इसके वो देखेंगे, आप
आप अभी इसका इफेक्ट देखेंगे हिस्टेरिकली, ये जो है इसे इसको यूज करते हैं तो इससे हमारे घर में चींटियां, दीमक, कॉकरोच, मच्छर वगैरह नहीं आते हैं और हमारा घर बैक्टीरिया फ्री हो जाता है। ये हमारा घर है, हमने घर को गंदा करने के लिए ये नील का सॉल्यूशन डाला है। मोबाइल को थोड़ा नीचे कीजिए, ग्लास नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ अब सही है, अब सही है। यस सर, इसमें गामा बैक्टीरिया नजर आते हैं। अब हम इसमें मार्केट का प्रोडक्ट डालेंगे और आप इसका रिएक्शन देखेंगे, ये क्या रिएक्शन देता है। ये हमने डाल दिया और अब हम अपने स्टेरिक्लीन मोदी केयर का प्रोडक्ट स्टेरिक्लीन डालेंगे और इसको थोड़ा सा ही डालेंगे, बहुत कम क्वांटिटीज की लगती है। अगर सपोज हम एक बाल्टी पानी लेते हैं तो उसमें से ये आधा ढक्कन यूज किया जाता है और अभी हम डेमो कर रहे हैं इसमें, तो ग्लास में बस इसकी चंद बूंदे ही डालेंगे जो कि आपको इसको देखने में मिलेगी। ये देखिए, इसमें हमने मार्केट का प्रोडक्ट डाला था जो कि वैसा ही है, इसने अपना कोई रंग नहीं बदला, कुछ भी नहीं हुआ इसमें, इसमें वैसे ही बैक्टीरिया है। और ये हमारा जो मोदी केयर प्रोडक्ट स्टेरिक्लीन है उसका हमने किया था, देखिए उसमें इसने सारे बैक्टीरिया को मार दिया, पानी एकदम साफ हो गया है। यही नहीं, अगर आप एक बार इसे पोछा घर में लगा लेते हैं तो आपके घर में जूता चप्पल पहन के सुबह से लेकर दिन में अगर चार बार पांच बार भी आपके घर में कोई आ जाता है तब भी आपका घर साफ रहेगा। उसके लिए देखिए, इसमें मोदी केयर प्रोडक्ट के स्टेरिक्लीन में कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है, कोई केमिकल ऐसा नहीं कि कलर को काटता हो। जबकि देखिए इसमें हमने जो बाहर का प्रोडक्ट बाजार का डाला था उसका कलर वैसे ही है, इसमें कलर को नीला, इसमें कोई ब्लीच नहीं है, कुछ नहीं है, इसमें कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है, इसलिए ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। और इसको आप मोदी केयर से जुड़ के इस प्रोडक्ट को लेके आप अपने घर में इसको यूज कर सकते हैं जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू, थैंक यू शमा मैम एंड शंकर सर, ओवर टू यू शमा मैम। ये देखिए कि हमने अमृत शक्ति का किया था और ये देखिए अमृत शक्ति का इफेक्ट भी आपको नजर आ रहा है। ये देखिए ये पानी एकदम साफ हो गया, अमृत शक्ति एक टैबलेट ने इस पानी को साफ कर दिया। इसे ये पता चलता है कि अगर हम एक टैबलेट लेंगे तो हमारा पेट भी इसी तरह साफ रहेगा और हम बीमारियों से दूर रहेंगे और हमारी सेहत अच्छी रहेगी। ओके थैंक यू, ओवर टू शमा मैम। वेरी गुड सामिया मैम, बहुत अच्छे से आपने बताया और ये सही बात है कि सारी बीमारियां हमारे पेट से ही रिलेट करती हैं। अगर हमारा पेट सही है तो हमारी सेहत बिल्कुल सही रहती है। और फ्रेंड्स इसके बाद आइए आगे चलते हैं। फ्रेंड्स एक बात बताना चाहेंगे, हम सब जानते हैं हम जिस देश में रहते हैं वो एक कृषि प्रधान देश है और अगर हम बात करें 130 करोड़ की जो हमारी पॉपुलेशन है उसकी हेल्थ की जिम्मेदारी होती है हमारे देश के किसान भाइयों पर होती है। तो फ्रेंड्स हम मोदी केरियन हैं क्योंकि हम हर किसी का ध्यान रखते हैं, तो हम किस तरह उन किसान भाइयों का काम आसान कर सकते हैं, क्या हमारे पास मोदी केयर में उनके लिए क्या सॉल्यूशन है, हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं, तो ये बताने हमारे हमारे पास हमारे साथ आ रहे हैं बहुत ही पैशनेट मेहनती और लखनऊ से ही हैं हमारे साथ सरफराज आलम सर। वो हमें
बताएंगे वो किस प्रोडक्ट का डेमो दिखाने जा रहे हैं। तो ओवर टू यू सरफराज भाई, वेलकम। वेलकम सरफराज भाई। अनम्यूट। हेलो जी। जी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बिल्कुल सही। कंटिन्यू। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। जी मेरा नाम प्रताप आलम है। मैं पिछले साल एक साल से मोदी केयर के बिजनेस में हूँ और मोदी केयर के वैसे तो सभी प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। मैं लखनऊ से बिलीव करता हूँ और मोदी केयर के सारे ही प्रोडक्ट अच्छे हैं, लेकिन ये एक जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट आया है मोदी केयर का हमारा एक्टिविटी गोल्ड और एक्टिविटी मैक्स, ये दो प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हमारे किसान भाई खेतों में बहुत मेहनत करते हैं और उनको उसका फल नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर हम ये अपने आप में एक्टिविटी गोल्ड समझ लीजिए कि जीरो है, अगर हम इसको सिंचाई के समय मिला देते हैं तो सिंचाई की ताकत 10 गुना बढ़ जाएगी। खाद में मिला के डालेंगे तो खाद की ताकत 10 गुना बढ़ जाएगी और अगर हम इसे कीटनाशक में मिला के डालते हैं तब भी इसकी ताकत 10 गुना बढ़ जाती है। जैसे कि हम देखते हैं कि ये हम सिंचाई करते हैं तो अपने खेतों में पानी डालते हैं, ये हमने अपने खेतों में सिंचाई के लिए पानी डाला। और अगर हम इसमें एक्टिव गोल्ड एक्टिव मिलाते हैं और ये हमारी जमीन है, जमीन में भी हमारी लेयर होती है, अगर हम एक्टिव गोल्ड डाल करके अपनी जमीन की सिंचाई करते हैं तो उसका परिणाम आप देखिए। ये पानी आप देख रहे होंगे कि तेजी से ऊपर की ओर चढ़ रहा है और ये अपनी जगह पर बना हुआ है। ये आप देखिए, ये ऊपर की तरफ पानी पूरा आ रहा है और ये हमारा वैसे के वैसे ही बना हुआ है। अब अगर हम इसको निकालते हैं तो सिंचाई का हमारा फायदा ये है कि हमारी जमीन की हर परत में पानी चला गया होगा। ये आप देखिए अपने आप में पूरी तरीके से भीग चुका है। और दूसरा ये हमारा अभी भी अंदर से पूरा सूखा निकलेगा, इसकी परतें अंदर से सूखी हुई होंगी। और अगर हम खाद डालते हैं जमीन में तो खाद अक्सर आप देखेंगे कि 70% खाद हमारी गैस बनके उड़ जाती है, खाद के अंदर गैस होती है जो उड़ जाती है और हमारी जमीन उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। और अगर हम इसको डालते हैं, ये हमारी खाद है, हमने खाद डाली तो आप देख रहे होंगे कि कितनी तेजी से पानी एब्जॉर्ब कर रहा है बगैर कुछ किए ही। ये खाद हमारी जमीन में पूरे तौर से सोख ली है। अगर हम खाद में इसको मिला के डालते हैं तो हमारी 30% खाद कम लगेगी। अगर हम 100 kg खाद डाल रहे हैं तो हमारी सिर्फ 30% ही का खाद इसमें लगेगी। ये देखिए आप, ये पूरी तरीके से सूख चुका है और ये हमारा खाद अभी ऊपर ही जमीन की ऊपरी लेयर पर ही, यही अंदर नहीं जा सकी है। और अगर हम कीटनाशक डालते हैं, कीटनाशक से भी आप इसका असर देखिएगा। ये पत्ते हैं, हमने सिंचाई की, अपने पेड़ों की धुलाई करी अब ये धुलाई के बाद हमारे पत्तों पे आप देखिएगा ये पानी हमारी
पत्ते के अंदर पूरी तरीके से ऊपर को दिखाई दे रहा होगा और ये हमारा पानी सूख जाएगा पूरे तौर से। और उसके बाद आप हमारी और इसकी खूबी एक और ये है कि हमारी जमीन की जो नेचुरलिटी होती है पुरानी, अगर हम 2 से 3 साल इसको इस्तेमाल कर लेंगे तो उसको भी वापस कर देता है। उसके लिए आप देखेंगे अगर हम किसी चीज में हल्दी डालते हैं, हल्दी जैसे कि आपको पता है कोई भी केमिकल बर्दाश्त नहीं कर पाती है। और ये हमारा हैगा सर्फ जो मार्केट में आमतौर से मिलता है। अगर इसको हम किसी चीज पे डालेंगे तो हल्दी हमारी केमिकल बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वो इसी टाइम पर अपना कलर चेंज कर देती है। ये हमारी जमीन पहले के जैसी हो गई है जो कि घास खाद और गैस की वजह से वो हो गई। अब हम अगर एक्टिविटी डालते हैं तो हम इसको सिंचाई के टाइम भी डालेंगे, खाद के टाइम भी डालेंगे और इसको हम पत्तों की जब धुलाई करेंगे तब भी हम इसको डालेंगे। उसके बाद इसको डालने के बाद अगर हम अपनी सिंचाई करते हैं तो आप देखेंगे हमारी जमीन की नेचुरलिटी वापस आ जाएगी। अब अगर हम सिंचाई करेंगे तो आप देखेंगे कि बगैर एक्टिविटी गोल्ड के जो हमने अपनी खेती करी थी उसका असर देखिए और इसका असर आप देखिए, ये पूरी तरीके से हमारी नेचुरलिटी को लौटा चुका हैगा। और हमारी जमीन की जो लेयर थी जो हमने सिंचाई करी थी फर्स्ट टाइम उसका भी आप असर देखिए, ये गत्ता अपनी तरह से सूख चुका है और ये अभी भी पूरी लेयर पूरी तरीके से भीगी हुई है। ये हमारा प्रोडक्ट था एक्टिविटी गोल्ड जो हमारे किसान भाई अगर यूज करेंगे तो उनकी लागत 30% कम होगी और फसल 25% ज्यादा होगी। ये हमारा प्रोडक्ट खत्म हुआ। अब दूसरा प्रोडक्ट है हमारा मोदी केयर का ही आता है ग्रीन टी। ये देखिए ग्रीन टी है, जैसे कि आप सब जानते हैं ग्रीन टी पीने से हमारे जिसमें हम दिन भर बाहर का खान पान खाते हैं जिसकी वजह से हमारे पेट में गंदे टॉक्सिन्स पैदा हो जाते हैं जो कि हमारे पेट में नुकसान पहुंचाते हैं। अगर हम ग्रीन टी पी रहे हैं तो ग्रीन टी हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, इससे हमारा पेट कम होता है, बीपी अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो उसमें भी राहत मिलती है, शुगर में भी राहत मिलती है। अब इसके लिए हम इसमें ये हमारे पास कुछ चावल के दाने हैं, जैसा कि आपको पता है इसी तरीके के हमारे पेट में टॉक्सिन्स होते हैं जो सेल्स होते हैं जो खराब सेल्स होते हैं। अब दिन भर हमने कुछ भी बाहर रहे हमने खाया पिया बाजार में तो हमारे ये सेल्स जो है ये बिटाडीन है जो आपको पता ही है गंदा होता है, गंदी चीजों में ही यूज होता है। अब आप देखेंगे कि हमारे चावल के दाने गंदे हो चुके हैं पूरे तौर से। इसमें हम अब हम गंदगी को साफ करने के लिए अक्सर आप देखते होंगे कि हम पानी का ही यूज करते हैं, पर हमने इसमें पानी डाला अब इसको हम चलाकर भी देख लेंगे कि हमारा पेट साफ हो रहा है या नहीं। और अब हम देखेंगे इसको हम एक कंटेनर में पानी को पलट देते हैं और देखते हैं कि हमारे पेट की गंदगी साफ हुई या नहीं।
देखिए चावल अभी भी अपने उसी कलर में बने हुए हैं, इसका मतलब हमारे पेट की गंदगी साफ नहीं हुई है। अब हम दोबारा भी इसको ले लेते हैं, पानी पियेंगे कि शायद हमारे पेट में फिर से कुछ ये हो गया, और हम देखेंगे कि ये पानी तो वाइट हो गया लेकिन हमारे पेट के जो सेल्स थे वो अभी भी काले हैं। इसके लिए हम अपना ये ग्रीन टी प्रोडक्ट यूज करेंगे। ये इसका रैपर है, एक रैपर में 25 पैकेट होते हैं। ये हमने इसमें पानी डाला और इसमें हमने अपना ये ग्रीन टी का पैकेट डाल दिया। अब हम इसको मिक्स करेंगे तब तक के जब तक के ग्रीन टी का हल्का कलर हमारे पानी में ना आ जाए। आप देख रहे होंगे ग्रीन टी इसमें मिक्स हो रही है। अब हम इसको निकाल लेंगे और ये पानी हम दूसरे कंटेनर में डाल देते हैं। तो अब आप देखेंगे ये चावल हमारे पहले की तरह वाइट हो गए, इसका मतलब हमारे पेट की जो गंदगी हमने दिन भर खाया पिया था वो साफ हो गई है, तो क्लीन हो गई है। ग्रीन टी पीने से हमारे पेट की गंदगी साफ होती है और हमें बहुत फायदे होते हैं, सारे हमारे क्लियर हो जाते हैं। थैंक यू। ओवर टू शमा मैम। बहुत अच्छा सरप्राइज है, आपने बहुत अच्छे से हम लोग को बताया कि किस तरह हम अपने किसान भाइयों की मदद कर सकते हैं, अपनी जमीन को फिर से उपजाऊ बना सकते हैं, केमिकल्स कर सकते हैं, और आपने ये भी बताया किस तरह बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स यूज करके। और थैंक यू वेरी मच। आई होप सारे लोगों को समझ में आया होगा। और आप देखना किस तरह से हम लोग अपनी लाइफ में चेंज लाए, अपने सोच को बदलकर, अपने आप को बदलकर, और अपने समाज को केमिकल फ्री, क्योंकि ये वक्त है बैक टू नेचर हम लोग सब मूव कर रहे हैं। तो आज हम इस मिशन में हैं, हम के सभी को केमिकल फ्री प्रोडक्ट से हम लोगों को अवगत कराएं और लोगों में अवेयरनेस फैलाएं, और इस मिशन में हम सब साथ हैं। अब हम इस प्लेटफॉर्म को अपने जो हमारे बीच हमारे ग्रेट अपलायन गुप्ता सर हैं, हम उनके हैंडओवर ये प्लेटफॉर्म करना चाहते हैं। सर ने हम लोग को मौका दिया, हम पूरी टीम की तरफ से एक बार सर को फिर से थैंक्स बोलना चाहते हैं, एल्बियन इंटरप्राइजेस, पूरे एल्बियन इंटरप्राइजेस को और सभी लीडर्स को जो यहाँ पर पेशेंस के साथ बैठे हैं। थैंक यू सो वेरी मच। ओवर टू यू सर, वेलकम सर। थैंक यू शमा मैम, पूरी टीम को बहुत ही अपने टाइम फ्रेम के अंदर में अपने प्रेजेंटेशन को देने के लिए मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और सब लोगों ने अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट किया है, तो हम फीडबैक लेते हुए हम जो है सो ये हमारे अपने लैपटॉप से हैं, तो मैं सीरियल वाइज ऊपर से चलूंगा। तो हम सबसे पहले हम नाम लेना चाहेंगे हमारे ए के सिंह जो हमारे साथ बने हुए हैं मीटिंग से शुरू से और हमेशा मीटिंग करते हैं। तो ए के सिंह सर, आप आज की प्रेजेंटेशन के बारे में अपनी बातों को रखिए, हम लोग अभी टाइम फ्रेम में चल रहे हैं, बस दो दो मिनट का, सब लोग अपनी अपनी बात को रखें हम लोग। तो ओवर टू ए के सिंह सर। आशुतोष सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस मंच पर आने का मौका मिला है फिर से, और वाकई आज का सेशन
में बहुत कुछ निखार दिखा है। अन्ना जी के परिवर्तन सेशन में भी निखार दिखा, समय के भीतर समाप्त हुआ। इसके बाद सामी जी का इसके पहले हम डेमो देखे थे, इतना अच्छा डेमो पिछली बार नहीं हुआ था। और जैसा कि उन्होंने अमृत लगता है कि एके सर का जो है नेटवर्क जो है सो साथ नहीं दिया, तो हम फिर नेक्स्ट हाँ एके सिंह सर आ गए आ गए आ गए आ गए एके सर आ गए उनका हाँ एके सर जी भाई साहब का तो एक्टिविटी और ग्रीन टी तो एकदम खिला दिए, मतलब इतना जबरदस्त डेमो हुआ, इतना जबरदस्त डेमो हुआ पूछे मत, बहुत मजा आया। और वाकई ये सारा कुछ, ये सारा श्रेय जाता है समाज के मेहनत पे, मेहनत को जाता है और आपके अथक प्रयास को जाता है सर, कि हम लोग इतना समाज के टीम में प्रेजेंटेशन देख पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। अब हमारे साथ है राखी मैम, मैं पटना से। राखी मैम अपने आप को अनम्यूट कीजिए और आज की इस मीटिंग के बारे में दो शब्द बोलिए। गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग सर, नमस्कार। गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग। बहुत ही अच्छा जबरदस्त डेमो रहा सर, ऐसा नहीं लगता कि हम लोग कुछ मतलब पुराना देख रहे, जब देखते हैं कुछ नया सीखते हैं, नया समझते हैं। और समा मैम तो इतने अच्छे से अपनी टीम को बिल्ड कर रही हैं, इतने अच्छे से सबको लोकेट कर रही हैं, किसी को मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इस फील्ड में कोई दिक्कत होगा इनकी मीटिंग को भी अटेंड करने के बाद भी। और सबसे बड़ा तो सर आप तो बस ग्रेट हैं, आपके बारे में क्या कहना है, जस्ट लाइक फादर अभी हम लोग के बने हुए हैं। आपकी वजह से तो बहुत लोगों को ऐसा सपोर्ट मिल रहा है कि जो जब चाहे आपसे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच समा मैम और थैंक यू सो मच सर गुप्ता सर। थैंक यू मैम, आप लोग से ही सीख रहे हैं, हम भी आप लोग से ही सीख सीख के आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू मैम। ओके थैंक यू। हमारे साथ जो है सो बनी हुई है प्रिया गुप्ता, अमनौर से। प्रिया गुप्ता अपने आप को अनम्यूट कीजिए। थैंक यू सो मच सर, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। And thank you so much Anas sir और Samia ma'am और हमारे जो agriculture का जो present ये demonstration किए हैं सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर फ्राज सर आपका भी बहुत demonstration बहुत अच्छा था। Anas sir जितने बारीकी से, इतने confidently, इतने neat and clean सर आपने जितने अच्छे से हम लोगों को परिवर्तन session दिया है, वाकई हमें लगता है हम हर दिन इस सेशन को देखते हैं लेकिन हर सेशन में कुछ ना कुछ न्यू एड ऑन होता है। थैंक यू सो मच सर, बहुत एनर्जेटिक वे में बताया और बिल्कुल नीट एंड क्लीन था नो डाउट। और सामिया फातिमा मैम का जो डेमो था और हमारे सर जिन्होंने डेमो किया एग्रीकल्चर का, लाजवाब था सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमें इतना ये नहीं है कि हम आप लोगों को धन्यवाद दें, मैं छोड़ती हूँ आप लोग से बहुत, लेकिन सर बहुत कुछ सीखा आप लोगों से मैंने। Thank you so much. Over to you, sir. Thank you. हम देख रहे हैं हमारे साथ एक नया नाम देख रहा हूँ मैं, प्रवीण कुमार गुप्ता। प्रवीण गुप्ता सर आप कहाँ से हैं? प्रवीण कुमार गुप्ता कहाँ से हैं आप? लगता है कि उनका ने गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग, अपना पूरा परिचय दीजिए सब लोगों को। मैं प्रवीण कुमार गुप्ता हूं और मैं त्रैया से बिलोंग करता हूं और मोदी केयर ज्वाइन किया हूं। और सर आज का सर जो टेंशन था वो बहुत अच्छा था। जी जी आपकी बात हम समझ नहीं पाए हैं, मैं फिर से अपना परिचय दीजिए फुल। हेलो जी बोलिए। हाँ मैं प्रवीण कुमार गुप्ता बोल रहा हूँ और मैं त्रैया से बिलोंग करता हूँ और जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ और टीचिंग भी करता हूँ। बढ़िया। मोदी कर कब से कर रहे हैं? मोदी केयर
लगभग 6-7 महीना हो गया इसमें ज्वाइन किए, और इसमें जब से ज्वाइन किया हूँ सबसे अच्छा लग रहा है करके, बहुत कुछ सीखा हूँ इससे। कितने लोग की टीम बना ली आपने? मेरे अंदर कितना फ्रंट खोला आपने? आपका फ्रंट कितना आदमी का है प्रवीण जी? सर मेरा मेरे अंदर एक चार एक करिया का है, एक लड़का है। और कितना लेग है? अब कहाँ काम नहीं थोड़ी पूछ रहे हैं, आपका डायरेक्ट क्या लेग है? आपने एक फ्रंट खोला है, दो फ्रंट खोला है, तीन फ्रंट खोला है, बताइए ना सर, तब ना हम आपको गाइडलाइन करेंगे। मैंने तो अभी एक फ्रंट खोला है। एक फ्रंट खोला है तो तीन फ्रंट और खोलिए, अगर मोदी कर में पैसा कमाना है, हैं? तो चार फ्रंट को लेकर चलिए। कुर्सी में भी चार पांव होता है, कार में भी चार पांव होता है, समझ गए? तो चार टेबल भी चार पांव का होता है, तो ये चार चीजें जरूरी है, तो आपको चार लेग बनाना है, चारों का फिर चार चार लेग बनाना है, और जब इतना लेग आपका बन जाएगा, टोटल 21 आदमी हो जाएंगे और सब लोग खरीदारी करेंगे, तब आपको पैसा आएगा। मोदी केयर करते हैं, कर रहे हैं, 6 महीना से कर रहे हैं, साल भर से कर रहे हैं? नहीं, अगर मोदी केयर कर रहे हैं तो 3 महीना के अंदर में रिजल्ट चाहिए कि आपका इनकम 2 से 5 हजार रुपया पहुंचे। इस शिद्दत से कीजिएगा तो आपका नाम जो है रोशन होगा, आपके माँ बाप को भी अच्छा लगेगा कि हाँ इन्होंने एक काम शुरुआत की तो उनके घर में बरकत आ रहा है। ठीक है, तो सिस्टम से आप मीटिंग में आए हैं, आप पहली बार इस मीटिंग में आए, हम देखा आपका नाम तो मैं सोचा कि आपको एक गाइडलाइन दिया जाए, इसलिए मैं आपसे इतना बातचीत किया। थैंक यू सर, थैंक यू। हमेशा मीटिंग में आइए, हर मंडे टू फ्राइडे 8 बजे जरूर आना है और सीखना है। किसी किसी दिन आपको बोलने का मौका मिलेगा, मैं लेकिन इस बीच में आपको हर दिन एक परफॉर्म करके अपना एक रिकॉर्ड क्रिएट करना है। हर दिन आपके लिए अंतिम दिन है, ये मान के चलना है, हर दिन आपके लिए पहला दिन है और अंतिम दिन है। जी सर, ठीक है जी जी, चलिए बढ़िया, ओके, थैंक यू, थैंक यू। और हमारे रोशन जी हैं, रोशन जी, रोशन जी, रोशन जी, नित्यानंद प्रसाद अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नित्यानंद जी, हाँ सर, ये जो अभी जो भी अपना डेमोंस्ट्रेशन दिया गया है बहुत बढ़िया है और नॉलेजेबल है, सब लोग जो है इससे बहुत कुछ कहेंगे, अपना जो है कृषि प्रधान है। और मैं धन्यवाद करूंगा हरिचंद्रता जी आपको, अपने जो फाउंडर्स हैं समीर मोदी जी का, जिन्होंने इतना बहुत बड़ा जो है कि इस तरह का सिस्टम डेवलप किया है कि अपने सोच को बदल के जो है अपने देश का सेवा भी कर सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं और अपना फ्रीडम भी गेन कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम से हम लोग पूरे देश के जो वासी हैं एक दूसरे से बात करते हैं और तरह का अच्छा अच्छा यूनिक चीज़ जो है वो हम बताया जाता है, सिखाया जाता है और अपने लाइफ में उपयोग करने के लिए जो है कैसे प्रयोग करना है वो भी अपना बताया जाता है। तो जिन्होंने ये डेमोंस्ट्रेशन दिया है प्रोडक्ट का, बहुत ही सुंदर है, बहुत बढ़िया है और बहुत ही अच्छा है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू नित्यानंद जी। अब जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं जी एक बात कहना चाहूंगा मैं कि जी, अब जैसे मेरी मेरा नाम पुकारा गया है, शंकर गुप्ता जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बोलिए दो सर, तो मैं कहाँ से बोलूंगा सर? मैं बोलूंगा कि मैं हरिशंकर गुप्ता मोदी केयर पिछले 7 साल से कर रहा हूँ, मैं पटना से बिलोंग करता हूँ और अभी जीबीडी का पोस्ट है, और आज का मीटिंग हमको में ये चीज अच्छी लगी और हमारा जो है नेक्स्ट कार्यक्रम जो है
वो ये है, हम अगले 3 महीने के अंदर में अपने को ये परफॉर्म कर रहे हैं। तो नित्यानंद जी आप आए, बहुत अच्छी बात बताए, बट आप कहाँ से आए हैं, कब मोदी क्या शुरू किए हैं, क्या आपका स्टेटस है, ये तो सबको ही नहीं जाना। मैं कोरोना काल में जो है मोदी केयर ज्वाइन किया था, मैं यूनिक इंडिया का जो वोल्टास एयर कंडीशनिंग का जो है फाउंडर है, और मैं आज 20 ईयर से बिजनेस करता हूँ, बुद्धा कॉलोनी में हमारा सेंटर है, और मैं मोदी केयर में कोरोना काल में ही ज्वाइन किया हूँ, और आज जो है एसोसिएट सुपरवाइजर का मेरा पद है, और वो 13% से अचीव कर चुका है, और मैं बिलीव करता हूँ कि इस कुछ समय में ही मैं जो अपना जो है डायरेक्टर पद को अचीव कर लूंगा। थैंक यू नित्यानंद प्रसाद जी, आप हमारे पंकज सर के टीम से हैं। श्योर सर जी जी, चलिए बहुत बढ़िया सर। ओके थैंक यू। जब तक आप अपना पूरा परिचय नहीं दीजिएगा सर, तब तक जी, सब लोग नहीं समझ पाएंगे। हम आपको जान रहे थे इसलिए मैंने आपको बताया। श्योर सर, ठीक है सर जी, ओके। लेकिन सबने अपनी पहचान बनानी है। एकदम एकदम, बहुत बहुत जो हमारे फाउंडर ही इस तरह का क्रिएशन कर रखे हैं कि यदि इसमें धन जन और मन से लगा जाए तो कोई भी व्यक्ति जो है अपने आप को सुखी बना सकता है, कभी भी बना सकता है। नित्यानंद सर, इस पटना में मोदी केयर ने इतिहास रचा है कि मोदी केयर ज्वाइन करके 90 दिन के अंदर में कोई महीने का 1,00,000 रुपया तक पहुंचा है। एकदम एकदम, पटना में काम करके हम लोग भी इसी पटना में हैं। श्योर सर, तो हम लोग चाहे तो ठीक है, उनकी तरह हम ज्यादा नहीं कर सकते, तो कम से कम अपने इनकम को 10,000 तो पहुंचा सकते हैं 3 महीना में, 90 दिन में एकदम पहुंचा तो सकते हैं। और उसी प्लानिंग के लिए ये मीटिंग रखी जा रही है सर। एकदम एकदम सर, और मैं चाहता यही हूँ सर जी जी, आप रोज रोज का टारगेट बनाइए और रोज रोज काम कीजिए, रोज रोज परफॉर्म कीजिए। एकदम एकदम सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। रंजन गुप्ता जी, सबसे पहले आज के मीटिंग में आने वाले रंजन गुप्ता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। थैंक यू सो मच सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, यहाँ उपस्थित हमारे सभी गुरुजनों को नमस्कार प्रणाम। आज की जैसा कि मीटिंग है हमारी परिवर्तन, जो कि अपने आप में यूनिक है, और हर एक दिन हमको हमें परिवर्तन करना चाहिए, और इसी परिवर्तन सेशन को लेने के लिए हमारे बीच से लखनऊ से हमारे सर अनाज सर जो उन्होंने काफी अच्छे से अपने आप को रंजन गुप्ता जी, एक मिनट होल्ड कीजिए, अभी मैंने आपको सब लोगों को मैंने बताया आपको जब बुलाया जाए तो कहां से शुरू करना है, फिर से उसको रिपीट करता हूं, आप अपने पूरा परिचय दो दे सर, ठीक है हम आपको बुला दिए, लेकिन आप अपने से अपना परिचय दीजिए, फिर मीटिंग के बारे में बताइए, अपने टारगेट के बारे में बताइए। चलिए स्टार्ट कीजिए फिर से। थैंक यू सो मच सर, गुड मोदी केयर मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, मेरा नाम रंजन कुमार है, मैं मोदी केयर बिजनेस को पिछले 2 महीनों से कर रहा हूँ अपनी सिस्टर प्रिया गुप्ता के साथ, और मैंने इस बिजनेस में काफी कुछ सीखा है। और जैसा कि आज का प्रेजेंटेशन के बारे में बात करें तो हमारे अनस सर जो कि लखनऊ से बिलोंग करते हैं, जो कि समय मैम की टीम से हैं, इन्होंने काफी अच्छे से परिवर्तन को अपने हम सबों के बीच रखा है, और हमने हर एक दिन कुछ ना कुछ नए परिवर्तन को सीख रहे हैं, और अपने बिजनेस को डेवलप करने में भी हमें इससे कुछ मदद मिलती है। और आज के डेमोन्स्ट्रेशन की बात करें तो हमारी सामिया फातिया मैम और जो भी और हमारे जो सरफराज सर थे, दोनों ने काफी अच्छे से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और अमृत शक्ति का प्रोडक्ट, ये सारे डेमोन्स्ट्रेशन को काफी अच्छे से रखा, और इसका पूरा क्रेडिट हमारे सामने जो हमारे टीम के समा प्रवीण मैम है लखनऊ से, इनको जाता है। थैंक यू सो मच मैम, और आज की डेमोन्स्ट्रेशन से हम लोग भी सीखे, बहुत कुछ सीखे, और परिवर्तन भी काफी यूनिक रहा। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू सर। थैंक यू रंजन जी। अब हमारे साथ लास्ट बट नॉट लीस्ट सुनीता मैम है, सुनीता मैम अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सुनीता मैम, गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, मैं सुनीता सिंह अमनौर से सारण से बोल रही हूँ। मैं आज बहुत कुछ दिनों से मैं मोदी केयर में अपना काम करती हूँ, साथ ही में मैं अपना ब्यूटिशियम और महिला संस्था का ट्रेनर का संस्था चलाती हूँ, साथ ही में मैं मोदी केयर का भी काम करती हूँ। कल हमारे यहाँ घर रंजन सर ने आकर के मीटिंग किए, उस मीटिंग में तो सर हमारे यहाँ 4 चांद लगा दिए हैं। उसके बाद मैं यहाँ कल से मैं इतना बिजी हो गई हूँ सर
कि मेरे यहाँ चार आदमी आकर के घर आकर के हमारे यहाँ अपना आईडी लगाए हैं लोग। आज मैं 5 बजे से लेकर के और 7:30 बजे तक मैं डेमो सेशन में बैठी हूँ और डेमो सेशन सबको दिखाई हूँ और दिखा करके और 4-5 आदमी का मैं आईडी आज लगा दी हूँ और लगा करके और मैं भगवान और आप लोग का कृपा रहा और मेरा कर्तव्य और कर्म रहा तो मैं इसी माह में अपना आगे सीनियर डायरेक्टर का लेवल पूरा करने के लिए कोशिश कर रही हूँ सर। और इसके लिए आपको आशीर्वाद और आप लोग का सहयोग है न। और आज का मीटिंग तो खैर बहुत लाजवाब है, सामिया मैम बहुत अच्छा से हम लोग का मीटिंग दी, सुन करके अच्छा लगा, अच्छा समझ हम लोग के आया। और इसी कृषि विभाग का जो अपना डेमोस्ट्रेशन सर दिखाए हैं वो भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि हम लोग को घर बैठे अपना जो भी थोड़ा बहुत साग सब्जियां और फूल पौधे में भी वो उनका सब सेशन दे करके और करने में बहुत इच्छुक हुए हम लोग, इसके लिए उनको धन्यवाद सर। थैंक यू सर, ओवर यू। थैंक यू। बहुत बढ़िया से आपने अपनी प्रेजेंटेशन को रखा है सुनीता मैम। मैं ऐसा ही चाहता था कि जिसको भी बुलाऊं वैसे स्टार्ट करें। थैंक यू। आपकी प्रयास ने आपको यहाँ तक ले आया है तो आगे भी आपको लेके जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है मैं कि अमनौर की धरती से आप पहली जीबीडी बनेंगी। थैंक यू सर। सरफराज भाई आपने डेमो दिया, अब आप आ जाइए टेस्टिमोनियल दीजिए, अपने बारे में बताइए सब लोगों कब से कर रहे हैं, क्या टारगेट है इस महीने का, अगले महीने में क्या टारगेट है। सरफराज भाई फ्रॉम लखनऊ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही है सर? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी। मेरा नाम सरफराज आलम है, मैं लखनऊ से रिलेट करता हूँ और पिछले 11 महीने से मोदी केयर का बिजनेस में हूँ। वैसे तो मोदी केयर के सारे ही प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी जब रवीश सर के साथ हमने एग्रीकल्चर का डेमो देखा तो एग्रीकल्चर हमारे समझ में बहुत ज्यादा आ गया और इस टाइम पे एग्रीकल्चर का ही काम ज्यादा चल रहा है हमारे पास। और इस टाइम पे 13% का लेवल अचीव हो चुका है, 15% पे पहुंचने की संभावना है पूरी, इस महीने में हो सकता है कंप्लीट हो जाए। और बाकी टीम हमारी शोमा मैम तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देती हैं, अनस भाई भी हमारे बहुत अच्छा कर रहे हैं, सामिया मैम भी हैं, टीम हमारी चल रही है सर। और आपका मेन चीज है ग्रेड अपलाइन, गुप्ता सर जी का हाथ हमारे सर पे है और इसी तरह से आप हमें फॉलो अप करते रहिए, इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक अच्छी इनकम पर हम सब पहुँच करके आपके साथ मीटिंग करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। अब मैं चाहूंगा कि हमारे आसिम भाई अपनी टेस्टिमोनियल को दें। आसिम भाई अगर हैं सुमा मैम तो उनको बोलिए। यस सर, गुड मॉर्निंग करना नहीं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैमरा ऑन कर लीजिए आसिम भाई, कैमरा ऑन कर लीजिए। जी ऑन कर। या वेलकम। जी सर, थैंक यू जी। मैं आसिम अली लखनऊ से बिलोंग करता हूं सर, मैं इस टाइम डायरेक्टर लेवल पर हूं और बिजनेस को कर रहा हूं और बहुत अच्छे से चल रहा है। हमारे साथ सहयोगी सब सरफराज भाई हैं, रईस भाई हैं, सामिया जी हैं, सारे लोग मेहनत से लगे हैं और इस बिजनेस को बिल्ड करने में सब लोग सहयोग कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग इस डायरेक्टर लेवल को बहुत जल्दी जल्दी अपना कवर करें और करने में बहुत ही मजा आ रहा है काम को। सर अम्मी है? जी शुक्ला जी है, ये आपको बताएंगे। चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी लोग को। और मेरा नाम शमा परवीन, लखनऊ से अपने दासी है इनकी। नहीं, फ्रंट फुट पे यही है, बैक फुट पे सर हम हैं। और सबसे पहले डायरेक्टर तो भाई ये हैं, हम इनकी दासी हैं और हम अपने सबसे पहले अपने अपलाइन को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहेंगे जो सर के सपोर्ट से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और हम लोग का टारगेट है कि दिसंबर तक अपने 3 लोगों को डायरेक्टर लेवल तक पहुंचाना,
पहुंचाना है, क्वालिफाइड डायरेक्टर बनाना है, और मेरी टीम बहुत अच्छे से, हम टीम के सपोर्ट से यहाँ तक पहुंचे हैं, तो टीम के लिए भी हम अभी जो कुछ भी सोच रहे हैं अपनी टीम के लिए सोच रहे हैं, तीन लोगों को डायरेक्टर दिसंबर तक हम लोग इंशाल्लाह ले जाएंगे। थैंक यू सो मच सर। वीडियो नहीं ऑन कर रहे थे क्योंकि अभी शॉप पर हैं सर। कोई बात नहीं है, तो अच्छी बात है ना कि वर्किंग आवर में भी आपने जैसे बिजनेस को नहीं छोड़ा है, हमेशा जब भी 8 बजे की मीटिंग होती है ज्यादातर समय मैम और आसिम भाई अपने अपने शॉप पे होते हैं और इस बिजनेस को दोनों पति पत्नी मिलके इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो आप लोग को भी आगे बढ़ना है, फैमिली बिजनेस बनाइए इसको, जैसा कि आज हमारे एनएस जी ने बताया था कि हमारा यह बिजनेस जो है फैमिली बिजनेस है, तो सारे फैमिली मिलके इस काम को करते हैं। तो हम अब फीडबैक लेने के लिए चलते हैं अनस जी के पास, जो कि हमारे फास्ट स्टार 10% हैं, और पता नहीं अब तीन अपने फास्ट स्टार 10% को किस महीने में लाएंगे, अब तो यही बताएंगे। मिस्टर अनस सिद्दीकी सर, आप अनस सिद्दीकी जी आप आइए, स्टूडेंट हैं, बीबीए कर रहे हैं, मोदी कर करते हैं और हैं बिजनेस को बढ़िया से बिल्ड कर रहे हैं। कितनी बढ़िया से इन्होंने प्रेजेंटेशन आज का दिया है वो आप लोग देख रहे हैं। ओवर टू अनस जी। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी आज का सेशन था मेरा परिवर्तन का, आप मैं उम्मीद करता हूँ मैं आपकी सोच बदलने में कामयाब रहूंगा। और मैं बात करता हूँ मोदी केयर की, मैंने कब ज्वाइन किया, कैसे ज्वाइन किया। शमा मैम ने मेरे को इंट्रोड्यूस किया इस बिजनेस में, नोबल बिजनेस में, और मेरे को 4 महीने हो गए हैं, मैं बिजनेस एंजॉय कर रहा हूँ। एक बेनिफिट मैं ले चुका हूँ 10% का, फास्ट 10% का फ्री। अभी मैं 10 का दम जीता हूँ पिछले कुछ दिनों पहले ही, वहां एक बेनिफिट ले चुका हूँ। अब बात करता हूँ ज्वाइनिंग की। मैंने अपने अंदर 2 लोग ज्वाइन करवा लिए हैं, उनको एक्टिव करना वो मेरा काम है, उनको एक्टिव में करवाऊंगा, अपनी टीम करूंगा, अपनी खुद की एक टाइमिंग रखूंगा। हमारी लखनऊ टीम तो है ही शमा मैम की, हमारी लीडर की, मैं अपने 4 लोग की अलग टीम बना रहा हूँ, उसमें 2 लोग आ चुके हैं, उनको एक्टिव करवाऊंगा, अपनी अलग टीम का वो पूरा सेशन करूंगा और उसको अपनी टीम में ज्वाइन करवाऊंगा। मेरा गोल है डायरेक्टर का, जो मैं कुछ महीने में उम्मीद है मैं कर लूंगा। और फिर मेरा नेक्स्ट गोल क्या होगा, अपने जो 4 लोग ज्वाइन कराए हैं उनको डायरेक्टर चीज करवाना। तो अपना स्टडी अपने बीबीए स्टडी के साथ मेरा दूसरा काम है मोदी केयर फैमिली में होते हुए काम करना। तो ओवर टू गुप्ता सर। थैंक यू। हमारे सरफराज भाई फिर से हैंड रेज किया है। सरफराज भाई कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए सरफराज भाई, आपका हैंड रेज हुआ है, अपने आप को अनम्यूट कीजिए सरफराज भाई। हेलो सरफराज भाई। जी अरे ये नूरी मैम कुछ बोलना चाह रही है। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम नूर बानो है, मैं लखनऊ से बिलीव करती हूँ। मैं अपने ग्रेट सर अपलाइन गुप्ता सर और एलबीएन एंटरप्राइजेस से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे हम लोगों को आने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। और अब मैं आज की मीटिंग को भी समाप्त करता हूँ। कल फिर अपने बड़े लीडर के द्वारा परिवर्तन है, उसको आप लोग देखना और अपने टीम को दिखाना नहीं भूलिएगा। रात को 8 बजे से 5 मिनट पहले हो, 10 मिनट पहले हो, कम से कम जरूर जो है आप मीटिंग में लॉग इन कर लीजिएगा। जितना बढ़िया बार बार देखिएगा, देखिए ये बार बार करने का नतीजा है कि आज कितने कम समय में परिवर्तन हुआ विथ डेमो। ये सबसे बड़ी बात है विथ डेमो, और डेमो भी इतनी सफाई से। हम दोनों आदमी को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। अभी तो शायद सामिया मैम है, हाँ सरफराज भाई, सामिया मैम को जिन्होंने इतनी बढ़िया से प्रेजेंटेशन दिया प्रोडक्ट का, एकदम सफाई से बहुत अच्छा लगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ सबको बधाई देते हुए
हम आज का यहीं पे समाप्त करते हैं और परसों के दिन जो है हमारा जो है सो बिजनेस होगा। शुरुआत का सेशन हम करना चाहेंगे और शुरुआत के सेशन दिखाने के लिए हमारे टीम से एक प्लेटिनम डायरेक्टर आएंगे मैं जो आपको बढ़िया से दिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जब आपके पास मैसेज जाएगा तो आपको तब आपको नाम जो है सो मिलेगा, सरप्राइज नाम मिलेगा क्योंकि हमारे टीम में एक प्लेटिनम डायरेक्टर है, उन्हीं के द्वारा होगा। मैं तो चूंकि लेडीज स्पेशल चल रहा है अभी वीक, तो लेडीज का ही कोई प्रोग्राम होगा तो हम थैंक यू बोलना चाहते हैं और जिनको हमको प्रोग्राम दिखाना है उनके द्वारा हम अपना आज से कल तक में सारा सेशन सब कम्प्लीट कर लेंगे ताकि उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो आप लोग की तरह और आप लोग के सामने बढ़िया से वो प्रेजेंट हो सके। थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि और बचे हुए 3 दिन को जम के लगिए, अपने अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई तक पहुंचाइए और अगर हो सके एनी हाउ अगर हो सके तो 1 night 2 day का प्रोग्राम कम से कम जरूर पकड़ लीजिए, फिर देखिए कैसे होगा। मैंने सिर्फ 500 PV करना है, मैं 500 PV करना है, 100 PV अपना और 400 PV अपने 4 front leg से, ये करके उस मीटिंग में अगर चले गए तो फिर आपको किसी की बैकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद लोगों को बैकअप बन करके और इस आजादी के मिशन को आप जीत जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।